गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करे थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। दिस क्वेश्चन इज अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फर्श पे लगाने वाली जो टाइल्स हैं वो पैरेललोग्राम की शेप की हैं, जिसका बेस 24 सेंटीमीटर है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स दे आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। एक फ्लोर एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर, तो उस फर्श पर टाइल्स लगाने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये पहले हम देखेंगे कि जो टाइल्स का डाइमेंशंस हैं वो हमें सेंटीमीटर में गिवन है और फ्लोर का एरिया हमें मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो कोई भी कैलकुलेशन करते वक्त दोनों को सेम यूनिट में रखना है। टाइल जो हमारा फ्लोर एरिया है वो 1080 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, 100 × 100 से, देन वी गेट 1,08,00,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ वन टाइल इज बेस इनटू एल्टीट्यूड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज 24 × 10, सो इट इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास फर्श का एरिया इतना है, एक टाइल का एरिया इतना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता है, हम फ्लोर एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड। सो द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन टाइल। सो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया और इसको आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 45,000 टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर रन। एक यहाँ पर डिफरेंट शेप्स गिवन हैं और इन शेप्स के अराउंड हमारे फूड पीसेस हैं। तो ये पूछ रहा है सबसे बड़ा राउंड किस केस में आंट को लगाना पड़ेगा, और आप इसकी बाउंड्री के अलॉन्ग जब मूव करेंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। इसका मतलब हम हर फिगर का पेरीमीटर निकाल लें और जिसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा उस केस में आंट को सबसे ज़्यादा बड़ा राउंड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ फर्स्ट केस में डिस्टेंस कवर्ड टू टेक अ राउंड बाय द आंट विल बी इक्वल टू, ये तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस हुआ प्लस इसका ये डायमीटर, और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है पाई इंटू आर और डायमीटर हो गया 2 × r। ये पूरी लेंथ 2.8 है तो इसका हाफ 1.4 हो जाएगा, मतलब इसका रेडियस 1.4 हो गया। इसीलिए जो इसका पैरामीटर बनेगा वो होगा पाई आर प्लस 2 r, दैट इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 1.4। 2 r मीन्स डायमीटर ही हो गया, आप डायरेक्ट 2.8 लिख सकते हैं या 2 × 1.4 भी कर सकते लिख सकते हैं, वो 2.8 ही आएगा। यहाँ 1.4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, और
22 को 0.2 से मल्टीप्लाई करके 4.4 प्लस 2.8 दैट इज 7.2 सेंटीमीटर। सेकेंड केस में ये हमें 1.5 सेंटीमीटर दिया है और ये 2.8 है, तो यहाँ ये तीन लेंथ ऐड होंगी और सेमी सर्कुलर पार्ट ऐड हुआ। तो इन तीन लेंथ में 1.5 यहाँ है, 1.5 यहाँ है, तो 2 टाइम्स तो 1.5 ऐड हो गया और ये लेंथ ऐड होगी और ये लेंथ इस 2.8 के इक्वल है। सो वी गेट 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2.8 और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है पाई इंटू आर, दैट इज हाफ ऑफ 2 पाई आर, पाई आर आ जाएगा और पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 2.8 का हाफ दैट इज 1.4। अगेन ये डिवाइड होके 0.2 आएगा और 22 से मल्टीप्लाई होके 4.4, 5.8 में इसको ऐड करेंगे तो 10.2 सेंटीमीटर। थर्ड केस में इसकी बाउंड्री की लेंथ निकालने के लिए ये दो पार्ट्स ऐड होंगे जो 2-2 सेंटीमीटर हैं और सेमी सर्कुलर पार्ट। सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस अगेन हाफ ऑफ 2 पाई आर मतलब पाई आर और 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, सो पाई आर प्लस 2 प्लस 2 दैट इज पाई आर प्लस 4। पाई इज 22/7 इंटू 1.4, ये हमारे पास 4.4 आएगा प्लस 4 दैट इज 8.4 सेंटीमीटर। तो तीनों केसेस में यहाँ 8.4 आया है, फर्स्ट केस में 7.2 था और सेकंड केस पे 10.2 सेंटीमीटर। तो बाउंड्री की लेंथ सबसे ज़्यादा बी वाले केस में है, सो इस केस में बी केस में सबसे ज़्यादा आंत को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।